नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मेरे साथ हैं, ये सेब का खेती कर रही हैं और सेब का पेड़ लगाई हैं। गर्म प्रदेश में हेरिमन 99 सेब की खेती होती है, गर्म इलाका में भी तो। और बिहार के बाकरपुर, वैशाली जिले के बाकरपुर गांव में ये लगा रही हैं और 200 पेड़ सेब का लगाई हैं। अब इनसे हम पूछते हैं कि खेती पहली बार कर रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और 200 पेड़ लगाई हैं ना, जी। और क्या क्या आप कर रही हैं अभी? अभी तो सेब लगाए हैं, मशरूम, और मशरूम लगाए हैं। मशरूम का कितना साल से कर रही हैं मशरूम का खेती? 2 साल से कर रहे हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा कि बिहार की महिला लोग भी खेती कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। ये आंगनवाड़ी में भी है ना? हाँ, आंगनवाड़ी सेविका हूँ मैं। हाँ, आंगनवाड़ी सेविका है और साइड में मशरूम का भी काम कर रही हैं, खेती भी कर रही हैं। पीछे जो केला का पेड़ है, आम का, केला का, और यहाँ दूर दूर तक जितना खेत दिख रहा है सब ये करती हैं। और देखिए कितना है ये, आपको देखिए इस तरह से ये हेरिमन 99 लिखा हुआ है। और ये देखिए, उन्हीं का फॉर्मूला था और इसीलिए उन, और हम दिखलाते हैं। देखिए, एक तो पेड़ बहुत ही बढ़िया सा हो गया है, इसका पूरा पत्ता इतना बढ़िया से आ गया है। चलिए और भी हम दिखलाते हैं। हरमन जी का यही है, देखिए हरमन जी का, देखिए कितना फूल गया है। ये वो सबसे अच्छा पेड़ दुनिया, नाम अपना बताइए। मेरा नाम मिंटू देवी है, मैं बाकरपुर की रहने वाली हूँ और आंगनवाड़ी सेविका हूँ। और आपका नाम? सविता कुमारी है, मैं बाकरपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, बहुत आप सफल किसान हैं। ये सारा केला का पेड़ सब आप ही का है ना? जी जी, सब आप देखभाल करती हैं ना? हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाएं भी किसान इनके क्षेत्र में आगे आ रही हैं। ये देखिए, एक केला का बहुत ही बढ़िया पेड़ है और इसका फल देखिए इस तरह से निकला है अभी। पालकी रह दिए, पालकी के बिया होते हैं। हिमाचल के हरिमन शर्मा जी ने इस गर्म प्रदेश में सेब के पौधे का खोज किया था, उन्हीं के नाम से हरिमन 99 प्लांट है जो इन्होंने लगाया आप है। आप सेब का खेती करती हैं और आप लोग में कुछ रिलेशन भी है? हाँ, हम लोग देवरानी जेठानी हैं। अच्छा, कौन बड़ी? जेठानी है और देवरानी है। अच्छा, अब मिलकर दोनों करती हैं खेती तो है। और क्या है, दिखलाइएगा। देखिए सेब का फूल, देखिए इसमें सेब में फूल भी आ गया है। अच्छा, वाह, ये जो रेड रेड है। हाँ। तो इतना छोटा में ही फल हो जाएगा? हाँ, अभी तो फूल दे रहा है, फिर उसको फिर बड़ा होगा, 2 साल लगेगा ना इसको। 2 साल में हो जाएगा? हाँ, 2 साल में हो जाएगा। ये पहली बार आप कर रही है ना? हाँ। सेब का, इसका पता कैसे चला आपको सेब का? सेब का देखे हैं, सब लोग करते हुए देखे हैं तो हम लोग का भी मन हुआ जो करके देखते हैं कैसा हो रहा है। चलिए, आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छा कर रही हैं आप लोग, घर परिवार कोशिश कर रहे हैं। अरे, कोशिश करने वालों की हार नहीं हो, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की ही नौका पार होती है। तो आप लोग हैं, और महिला तो है, कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, सबको जीवन देने वाली। पौधा क्यों नहीं आपसे लगेगा? आप इंसान को जन्म देती हैं, पालती पोसती हैं, तो पौधा
भी आप ज़रूर लगाइएगा और होगा, और उसका हमको अभी रिजल्ट भी दिख गया कि किस तरह से एक पौधा में फूल आ गया। हाँ, फूल आया है तो फल आएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और आप लोग गांव में रहते हुए आंगनवाड़ी में हैं और आप मशरूम का खेती कर रही हैं, ये मामूली बात नहीं है। मशरूम का खेती बहुत टेक्निकली होता है और उसमें कितना मेहनत लगता है वो मुझे पता है, क्योंकि मैं भी करती हूँ। तो आप वो कर ले रही हैं तो ज़रूर एक सफल उद्यमी आप हो गई हैं, एग्री एंटरप्रेनर। आप कृषि आधारित उद्योग जो है वो चला रही हैं, इसी से तो हम लोग सब आधी आबादी काम करेंगी, तभी तो पूरा राज्य पूरा देश हमारा आगे बढ़ेगा, प्रगतिशील होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप बैर भी लगाई हैं, कहाँ है दिखलाइए। ये देखिए, ये बैर का पेड़ है, इसका नाम एप्पल बैर है। अच्छा। हाँ। ये मतलब बड़ा बड़ा बैर होता है। बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा होता है। ओ, आप पेड़ कितना में खरीदी। पेड़ 250 में एक पेड़ आया है। अच्छा, ये तो पेड़ लगता है ज्यादा बड़ा हो गया है। हाँ। देखिए, एक साल के अंदर फलने लगेगा। ओ वाह। होता है नींबू भी पूरा फला हुआ है, देखिए पूरा नींबू फला हुआ है। चलिए बढ़िया है, पूरा आप खेती देख रही हैं। फूल का भी पेड़ है, बैगन है ना। हाँ, बैगन, पालक, टमाटर, सब चीज है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग कर रही हैं दोनों मिलकर। ये गाय भी आप ही रखी है ना। हाँ। कितना लीटर दूध देती है। 10 लीटर अभी देती है, अभी कम हो गया है। ऐसे दोनों टाइम में 10-15 लीटर दूध देती है। बहुत अच्छा ही गाय है। और ये आपका घर के आगे मशरूम है। परी, अच्छा मशरूम है। थोड़ा सा एक बार ये दिखला दीजिए, ले लीजिए परी मशरूम दिखला दीजिए। हाँ, ये परी मशरूम है, और दिखलाइए थोड़ा सा। चलिए आप लोग दोनों दिखलाइए अपना हमको मशरूम का हाउस। वाह, बहुत अच्छा आपका एसी प्लांट है। और यहाँ पर मशरूम का बैग रखा हुआ है। कितना साल से कर रहे हैं आप। 2 साल से कर रहे हैं। हाँ, चलिए बढ़िया है, सारा चीज़ आप लोग दोनों मिल करके कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये इन लोग दोनों का, देवरानी जेठानी जी का मशरूम फार्म है, और ये दोनों मिल करके यहाँ पर कर रही हैं 2 वर्षों से, और बहुत अच्छी आमदनी हो रही है, और अपने बच्चों को बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रही हैं, और डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहती हैं। यही तो सशक्त माँ है, और ये इन लोग का सपना जो है अपना बच्चा में पूरा कर रही है, जो अपने नहीं कर सकती अपना बच्चा को करेंगी। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना है कि आप लोग दोनों खूब आगे बढ़िए, और इसी तरह से आप लोग दोनों अपने मेहनत से सफलता की जो है रास्ता बनाइए, और अपने बच्चों को खूब आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। इतना बढ़िया साझा की है कि और भी महिलाओं के लिए आप लोग प्रेरणा है दोनों। और इतना बढ़िया हम देवरानी और जेठानी में जल्दी हम नहीं देखे हैं कि इतना बढ़िया बहन जैसा रिश्ता है दोनों में, और इतना बढ़िया से काम भी संभाल रही हैं घर बाहर, बहुत बढ़िया से। कितना साल हो गया आप लोग दोनों का शादी। 20 साल हो गया। साथ में शादी हुआ। एक ही साल हुआ, एक मार्च को इनका, 31 मई का मेरा शादी हुआ। वाह वाह वाह, बताइए इतना वर्ष से दोनों में
कब झगड़ा हुआ कि नहीं? कभी नहीं, बताइए कितना बढ़िया बात है। ये भी दो दो प्रेरणा दे रही है, एक तो इतना मेहनत करके। थोड़ा भी मन में होता है तो हम चुप रह जाते हैं या ये चुप रह जाते हैं, बस कुछ नहीं। देखिए कितना अच्छा राज का बात बताई है कि अगर दो किसी में गुस्सा है तो थोड़ा देर के लिए चुप। हाँ देखिए ये बहुत बड़े हैं बात है, चुप्पी भी कभी कभी बड़ी बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। अगर आप चुप हैं ऐसे छोटा मोटा बात के लिए दिया होता है, ऐसे बड़ा बात नहीं। बात वही बढ़ते 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 बढ़ जाता है, छोटा सा बात को पकड़ते नहीं। हुआ तो चुप, एक दो दिन चुप हो गए, नहीं बस ये अपना मन में शुरू हो गया। बहुत बढ़िया आप सबको संदेश दी है, बताइए इतना तो कोई मैनेजमेंट करने के बाद भी, इतना पढ़ाई करने के बाद, IIM में भी पढ़ने के बाद इतना बढ़िया सफलता का कुंजी किस तरह से घर में शांति बनाए रखे नहीं बता सकता है। जो इन लोगों ने गांव में मेहनत से बहुत बुद्धि खुलता है, और ये दोनों इतना मेहनती हैं, और हम अभी देख करके आए हैं, इन लोग का खेत है, चाहे गाय पालन कर रही हैं तो डेयरी और सब्जी, कम से कम पौष्टिक सब्जी ये लोग सब बच्चों को खिला रही हैं आज के समय में, ये बहुत बड़ी बात है। और आपसे प्रेरणा लेकर बाकी महिलाएं भी ये सब करेंगी, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका भी। ये कुनरी है? हाँ। ओ, और क्या क्या बात, देखे ड्रम में लगाई है। हाँ, और लाल साग है। हाँ, साग है, हरा साग है, लाल साग है। बढ़िया टमाटर फला हुआ है, और ये मिर्ची है। हाँ। और उधर कट, और ये कद्दू का पेड़। अच्छा वाह, बढ़िया है।